पुणे हिट एंड रन केस में मध्य प्रदेश के दो इंजीनियर्स की मौत पर सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर ओला, उबर, ऑटो, बस और ट्रक ड्राइवर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की सजा हो जाती है। अमीर घर का लड़का पोर्श कार से दो लोगों की हत्या कर देता है तो उससे सिर्फ निबंध लिखवाया जाता है, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाया। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। फडणवीस ने कहा कि दो लोगों की मौत के बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नरम रुख अपनाया है, जबकि पुणे पुलिस ने बोर्ड को दिए अपने आवेदन में कहा था कि आरोपी की उम्र 17 साल और 8 महीने है। दरअसल 18 मई की रात 2:15 बजे पुणे में बाइक सवार अश्विनी कोश्ता और अनीश अवधिया को हाई स्पीड पोर्श कार ने कुचल दिया था और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अश्विनी जबलपुर और अनीश उमरिया का रहने वाला था। कार पुणे के बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था, वो नशे में था। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का, 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और दो लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं।